Assalamualaikum, welcome to Kitchen with Amna.com. मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं Kitchen with Amna YouTube channel. तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं बेकरी स्टाइल drumsticks. बहुत ही डिफरेंट किस्म की हैं, तो आप इस रेसिपी को गौर से देखें और आप अपने घर में बनाएं. तो drumsticks बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन लेग ली है मैंने 6 अदद, मैदा लिया है 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए जिनको मैंने कद्दूकश करके इनका पानी निकाल लिया, 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, बिल्कुल छोटी छोटी आपने इसे काट लेना है, बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेना है. अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, चिली सॉस लेंगे 2 टेबल स्पून, सोया सॉस लेंगे 2 टेबल स्पून, सिरका लेंगे 1 टेबल स्पून, 1 अदद अंडा लेंगे, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं. पेपरिका पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो मत लें. सफ़ेद मिर्च का पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, ऑरिगेनो लेंगे हम 1/2 टीस्पून. तो ये चीज़ें चाहिए हमें बेकरी स्टाइल ड्रमस्टिक बनाने के लिए. अब इस लेग का हम गोश्त अलहदा कर लेंगे और इसकी जो हड्डी है इसे अलहदा कर लेंगे. तो हड्डियाँ अलहदा कर लेंगे और गोश्त को अलहदा कर लेंगे. इसे हम रखते जाएंगे एक साइड पे, इसी तरह सारे कर लेंगे. हड्डियाँ और गोश्त हमने अलहदा अलहदा कर लिया. अब इस गोश्त का हम कीमा बना लेंगे. तो हम इसे चौपड़ में हल्का सा पीस लेंगे. तो चौपड़ में हम ये गोश्त डाल देंगे, साथ ही इसमें प्याज डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ऑरिगानो, मैदा, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स, अंडा. तो ये सारी चीज़ें हम डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे. तो ये हो गया, इसे निकाल लेंगे. चिकन को हमने निकाल लिया, इसे हम साइड पे कर देंगे. और जो हड्डियाँ हैं इन्हें भी हम थोड़ा मसाला लगाएंगे. तो हड्डियों को मसाला लगाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिली सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, सिरका लेंगे 1 टेबल स्पून. तो ये चीज़ें चाहिए हमें हड्डियों को मसाला लगाने के लिए. तो बोल ले लेंगे, उसमें ये हड्डियाँ डाल देंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर, हाथ से मिक्स कर लेंगे, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस मिक्स कर लेंगे हाथ से और इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे. तो ये कीमा भी रेडी है और स्टिक भी रेडी है. अब हम स्टिक पे कीमा लगाएंगे. तो एक पकड़ेंगे, तो ये वाली साइड पे हम कीमा लगाएंगे. तो इसका बोल बना लेंगे. तो इस तरह बना के हम प्लेट में रखते जाएंगे, इसी तरह सारे कर लेंगे. तो सारे ड्रमस्टिक्स हमने तैयार कर लिए. मैदा ले लेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना मर्जी आप ले लें. एक ड्रमस्टिक उठाएंगे, मैदे से रोल करके इसे इस तरह से सेट कर लें. तो अब इसे हम रखते जाएंगे एक डिश में, इसी तरह सारे कर लेंगे. सारे ड्रमस्टिक्स पे मैंने मैदा लगा लिए. अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए, क्योंकि ये जो स्टिक हैं इनके साथ चिपकने में मुश्किल पेश आ रही है. तो इसलिए मैं इसे फ्रिज में रखूंगी, ये अच्छे से सेट हो जाए. अगर आपको ऐसी मुश्किल पेश आए कीमा सेट ना हो रहा हो स्टिक पे, तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा कॉर्नफ्लावर मिक्स करके उस मिक्सर को मिक्स करके स्टिक पे लगा लें, तो सेट हो जाएगा. उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दें. तो फ्रिज में रखने से ये अच्छे से सेट हो जाएगा. उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे. और अगर आप चाहें तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं. 1 हफ्ते के लिए आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं. इसे कवर करके आप रख दें फ्रीज़र में, जब आपका दिल करे इसे निकालें और डीप फ्राई कर लें. तो मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी.
मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई आपने कैसे करना है, इसे स्टिक को पकड़ना है, तो समझे ये ड्रम स्टिक की हड्डी है, साथ में चिपकने रही गिर रही है। तो आपने करना है फ्रिज से निकाला, फ्राई करते वक्त उसे अच्छे से इस तरह से बंद करना है, बाइंड कर लेना है। उसके बाद साथ ही इसे गर्मा गर्म ऑयल में डाल देना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये गोश्त है ये कच्चा है इसलिए। तो अब इसे हम फ्राई कर लेंगे, तो इस तरह से आपने इसे बाइंड करते जाना है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपकी ये स्टिक है ये गिर जाएगी। तो अब इसे हम डाल देंगे। साइड चेंज कर लेंगे। तो ये ड्रम स्टिक हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी की फ्राई कर लेंगे। तो ये रही चिली गार्लिक सॉस, या आप कैसे केचप के साथ खा सकते हैं या चिली गार्लिक सॉस के साथ। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की बेकरी स्टाइल ड्रम स्टिक, बहुत ही मज़े की बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे इस वीडियो के नीचे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की है ये। तो चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे और अब इसे खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार है। तो अगर आपको ये स्पाइसी डिफरेंट किस्म की ड्रम स्टिक्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके इसकी पिक्चर में ऐसा शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके आप किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइफ विद आमना में जाकर उसे सब्सक्राइब करें इस बटन पर क्लिक करके, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।